दोस्तों वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी फैटी एसिड के एमसीक्यूज को। फैटी एसिड डिफरेंट सबसे डिफरेंट एमसीक्यूज देखेंगे और जो इनके करेक्ट ऑप्शन होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपलेस्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे पास जो फैटी एसिड होते हैं उनमें हमारे पास होता है जी कार्बन नंबर 2 to 30 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी एसिटिक एसिड ये हमारे पास है जी सिंपलेस्ट बिकॉज इसमें 2 कार्बन जो होते हैं कार्बन आइटम जो होते हैं और ये सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर है जी 2, विच फैटी एसिड इज मोर कॉमन इन एनिमल लिपिड फैट्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा फैटी एसिड है जो हमारे पास जो है यहाँ पर एनिमल लिपिड में जो है वो मोर कॉमन है। एसिटिक एसिड, पालमिटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। यहाँ पर हमारे पास जो है जी यहाँ पर ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड हैं ये हमारे पास हैं जी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड और ये हमारे पास है जी प्लांट्स में जो है वो मोस्टली पाए जाते हैं। मोर कॉमन इन जो है एनिमल लिपिड जो है वो हमारे पास है जी पालमिटिक एसिड। ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है बिकॉज पालमिटिक एसिड यहाँ पर हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। इसमें हमारे पास जो है वो 16 कार्बन एटम जो है वो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 3 है, फैटी एसिड विद लॉन्गर कार्बन चेन जनरली हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर सॉलिबिलिटी इन वाटर, हायर हाइड्रोफिलिक नेचर। तो जैसे जैसे हमारे पास है जी कार्बन एटम चेन में किसी में बढ़ते जाते हैं अनलेस उसमें डबल बॉन्ड ना हो तो उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी उसी तरह जो है वो इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर है जी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर वाटर की जगह यहाँ पर हमारे पास है जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आना था बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यहाँ पर विद द कार्बन एटम जो है वो इसकी जो है वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है और यहाँ पर हाइड्रोफिलिक की जगह जो है हाइड्रोफोबिक जो है वो नेचर जो है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग कार्बन एटम। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ द फैटी एसिड कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स कार्बन चेन। तो कौन सा हमारे पास ऐसा फैटी एसिड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है कार्बन चेन पर जो है वो अटैच होते हैं। तो ऑप्शन है सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और स्टीरिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम है कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड ना होने की वजह से जो है वो कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है एटम जो है वो अटैच होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है वो हाइड्रोजन एटम की जगह यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टिपिकल सोर्स ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का टिपिकल सोर्स ऑलिव एसिड, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मोस्ट फैट्स एंड ऑयल एंड एनिमल लिपिड्स। तो यहाँ पर ओलिक एसिड की अगर हम बात करें तो ओलिक एसिड यहाँ पर हमारे पास जो है प्लांट लिपिड है और ये ऑलिव ऑयल में जो है वो पाया जाता है तो ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। वेजिटेबल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो लिनोलिक एसिड जो होता है उसका यहाँ पर जो है वो सोर्स है। मोस्ट फैट्स एंड ऑयल जो है ये हमारे पास जो है वो स्टीरिक एसिड या फिर पालमिटिक एसिड जो होता है पालमिटिक एसिड उसके जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सोर्स हैं। तो ये हमारे पास जो है ये ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ओलिक एसिड जो है ओलिव ऑयल जो है वो ओलिक एसिड का जो है वो सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जी एमसीक्यू नंबर 6 है, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पालमिटिक एसिड। ये मैंने आपको पहले बताया कि पालमिटिक एसिड में जो है वो हमारे पास जो है वो 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं। 2 जो है ये हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड में होते हैं, ब्यूटेरिक एसिड में जो है वो हमारे पास जो है वो 4 होते हैं और 18 जो है ये हमारे पास लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड में पाए जाते हैं। स्टीरिक एसिड इनमें जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता जबकि ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं और दोनों में ही डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अभी एमसीक्यू नंबर 7, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड कॉज देम टू बी। डबल बॉन्ड में जो हमारे पास जो है फैटी एसिड में किसी में भी होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सैचुरेशन होती है, अनसैचुरेशन होती है, हाइड्रोफोबिक बन जाता है या फिर जो है वो इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो वो हमारे पास जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। विच फैटी एसिड इज फाउंड इन मोस्ट फैट्स एंड ऑयल, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड पालमिटिक एसिड। तो यहाँ पर मोस्ट फैट्स एंड ऑयल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पालमिटिक एसिड या फिर जो है वो स्टीरिक एसिड ये दोनों ही पाए जाते हैं। लिनोलिक एसिड जो है ये हमारे पास जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है और ओलिक एसिड जो है ये ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टीरिक एसिड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है स्टीरिक एसिड बिकॉज इसमें जो है डबल बॉन्ड नहीं होता और 18 कार्बन एटम्स होते हैं
जैसे जैसे कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे तो डबल बॉन्ड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 10 है, फैटी एसिड दैट आर मोर कॉमन इन प्लांट ऑयल आर जनरली सैचुरेटेड इनसोल्यूबल इन वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फाउंड इन एनिमल फैट। तो जहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लांट लिक्विड होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। एनिमल फैट जो है वो सॉलिड होते हैं, और ये हमारे पास जो है वो सॉलिड होते हैं, और ये हमारे पास सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 11, दिस फैटी एसिड इज मोर लाइकली टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जैसे कि हमने पहले बात की, जो हमारे पास एनिमल फैट्स होंगे सैचुरेटेड फैट्स होंगे वो हमारे पास जो है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होंगे। लिनोलिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड। तो स्टीरिक एसिड जो यहाँ पर है जी वो मोस्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं कार्बन चेन के साथ। तो यहाँ पर स्टीरिक एसिड जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर है जी 12, फैटी एसिड विद ऑल इंटरनल कार्बन एटम पोजेसिंग हाइड्रोजन साइड ग्रुप आर नोन एज। फैटी एसिड जो हमारे पास होते हैं जिनमें हमारे पास तमाम इंटरनल कार्बन एटम्स पर जो है वो हाइड्रोजन साइड ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, बिकॉज उनमें जो है वो डबल बॉन्ड नहीं होता, और डबल बॉन्ड ना होगा तो तमाम जो हमारे पास कार्बन एटम होंगे उनके साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। अगर हमारे पास जो है वो कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होगा तो ये हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 13, व्हाट इज द टिपिकल सोर्स ऑफ लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड का टिपिकल सोर्स कौन सा है। तो ये हमने पहले भी बात कर लिया कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो लिनोलिक एसिड के जो है वो टिपिकल सोर्स है। ऑलिव एसिड जो है ये हमारे पास जो है वो ऑलिक एसिड का जो है वो टिपिकल सोर्स है, और फैट्स एंड ऑयल और एनिमल लिपिड ये हमारे पास पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड को जो है वो उसका सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 14, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड की बात हो रही है तो उसमें हमारे पास जो है वो 4 कार्बन एटम जो है वो पाए जाते हैं। फैटी एसिड में जो है वो 2 to 30 जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, 2 हमारे पास जो है एसिटिक एसिड में है, 4 हमारे पास जो है वो पाल्मिटिक एसिड में है, सॉरी ब्यूटेरिक एसिड में है, 16 जो है ये हमारे पास जो है वो पाल्मिटिक एसिड में है, और जो हमारे पास 18 है ये हमारे पास जो है वो स्टीरिक जो होता है स्टीरिक एसिड उसमें जो है वो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 15, लास्ट एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ फैटी एसिड इज मोर कॉमन इन एनिमल लिपिड, कौन से हमारे पास ऐसे जो है फैटी एसिड हैं जो एनिमल लिपिड में जो है फैट्स में वो कॉमन होते हैं। एनिमल लिपिड की बात हो रही है तो एनिमल लिपिड में जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो पाए जाते हैं, और ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये हमारे पास जो है वो लिक्विड होते हैं, और ये हमारे पास जो है वो प्लांट में जो है वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है फैटी एसिड के एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे, मुझे साथ नंबर का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।